नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया में जुड़े सभी कर्मियों की सुविधाओं के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत देश में निर्वाचन की प्रक्रिया अपने आप में एक बहुत व्यापक और कार्मिक लोगों से जुड़ी हुई बहुत भारी व्यवस्था होती है, और ऐसी बड़ी व्यवस्था में लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि हमारे द्वारा थोड़े से प्रयास करने से लोगों के सुविधाओं में इजाफा हो सकता है, और उससे लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बना रहता है और निर्वाचन की प्रक्रिया निर्बाध संपन्न होने में हमें बड़ी मदद मिलती है। आज के इस सत्र में हम इसी तरह की कुछ सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो बिंदु होता है वह होता है मतदान दलों का चयन। वैसे तो मतदान दलों के चयन के संबंध में निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह के कर्मचारियों को मतदान दलों के गठन के समय हमें लेना चाहिए। लेकिन ऐसे दिशा निर्देशों के बावजूद भी हमारे जिला स्तर पर उठाए गए कदमों का बड़ा व्यापक प्रभाव रहता है। हमारे जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा यदि सभी विभागों की जानकारियों को एकत्रित करने में कोई कोताही बरती गई, तो ऐसे विभाग जिनके कर्मचारी हमने अपने सूची में नहीं लिए हैं, दूसरे विभाग के कर्मचारियों के मन में इस विषय को लेकर के आक्रोश हो सकता है। इसलिए सर्वप्रथम तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम सभी विभागों की जानकारियाँ एकत्रित करें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोगों को निर्वाचन की प्रक्रिया से छूट देने के लिए जो भी हम कार्रवाई करें उसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर पारदर्शिता नहीं बरती गई तो निर्वाचन कार्यालय के ऊपर आक्षेप लग सकते हैं और इससे लोगों में असंतोष हो सकता है। बेहतर तो ये होगा कि हम शुरू से ही मुक्त करने के लिए जो विभिन्न आधार हैं उनको तय कर दें और उसमें हम काफ़ी पारदर्शिता रखें। उदाहरण के लिए, ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं गंभीर रूप से या महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें हम छूट देंगे, ये यदि हम शुरू से ही तय कर दें तो इसमें किसी को किसी भी स्तर पर निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं रहेगी, और पारदर्शिता रहने के कारण लोगों का निर्वाचन कार्यालय पर विश्वास भी बना रहेगा। While preparing polling parties, certain decisions were taken. All the female employees above the age of 55 or pregnant women were exempted from polling parties. All the women's were posted only in the urban areas. No women was posted in the distant rural polls, polling booths. No polling party was all female polling party. At least one polling personnel was a male. Wherever both husband and wife were working, one of them were exempted from the polling parties so that they can take care of the children at the house. निर्वाचन कर्मियों को सुविधा देने के दिशा में अगला महत्वपूर्ण चरण है जानकारियों का संकलन। हमें तीन महत्वपूर्ण तरह की जानकारियों का संकलन शुरू से ही कर लेना चाहिए। सबसे पहला है मतदान केंद्र स्तरीय जानकारी, दूसरा है व्यक्तिगत जानकारी, और तीसरा है रूट के संबंध में जानकारी, अर्थात जो रास्ते हैं जहाँ से कि वाहनों को जाना होगा और मतदान दलों को जाना होगा उसके संबंध में व्यापक जानकारी। आइए देखें कि इन जानकारियों में किस तरह की सूचना हमें एकत्रित करनी होती है। मतदान केंद्र स्तरीय जानकारियों में मतदान केंद्र के नाम और मतदान केंद्र के नंबर के अलावा उस भवन का नाम, वो सारा क्षेत्र जो कि मतदान केंद्र के अंतर्गत शामिल है, और उस मतदान केंद्र में कितने महिला और पुरुष मतदाता हैं, और वह मतदान केंद्र किस पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, उस थाने का दूरभाष क्रमांक क्या है, उस थाने का थाना प्रभारी कौन है, उनका दूरभाष नंबर क्या है, और यह मतदान केंद्र संवेदनशील है या नहीं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप क्रिटिकल या नॉन क्रिटिकल तो नहीं है, और इस मतदान केंद्र के लिए प्रभारी कौन है और उस प्रभारी का मोबाइल नंबर क्या है। मैं यहाँ पर इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मतदान केंद्र का प्रभारी वह व्यक्ति होता है जो उस मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए हमारे मतदान दल को उपलब्ध रहता है। इस व्यक्ति के विषय में मैं आगे और विस्तार से आपको बताऊंगा। व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में
महत्वपूर्ण है कि हम ना सिर्फ कर्मचारियों का नाम और पदनाम एकत्रित करें, बल्कि वो जिस कार्यालय में काम करते हैं वहाँ का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है और वे जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, यह जानकारी भी एकत्रित करना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके अलावा मतदान कर्मी का उम्र, उनकी लिंग, उनका मोबाइल नंबर, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें इस मोबाइल नंबर के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके अलावा मूल वेतन, उनके बैंक खातों की जानकारी और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उस व्यक्ति के मतदाता परिचय पत्र के जानकारी के साथ साथ मतदाता सूची में कौन से भाग में उनका नाम किस सीरियल नंबर पर है, यह जानकारी भी एकत्रित करना हमारे लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो वह भी हमें जानकारी शुरू में ही एकत्रित कर लेनी चाहिए। मार्ग संबंधी जानकारी में, चूँकि एक ही मार्ग पर बहुत सारे मतदान केंद्र स्थित हो सकते हैं, इसलिए हमें उस मार्ग के प्रभारी सेक्टर अधिकारी का नाम, उनका क्रमांक और उनका मोबाइल नंबर, इसके अलावा मार्ग में आने वाले मतदान केंद्रों का विवरण, मार्ग में उपयोग किए जाने वाले वाहन का विवरण, मुख्य वाहन से उतरने का स्थान, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक मतदान केंद्र तक वाहन पहुँचे ही, कई बार मुख्य मार्ग पर ही वाहन रुकता है और वहाँ से मतदान दलों को कुछ दूर तक किसी दूसरे वैकल्पिक वाहन से या पैदल यात्रा करनी होती है, तो उसका विवरण भी हमें शुरू में ही एकत्रित कर लेना चाहिए। और इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है मार्गदर्शक और उसका मोबाइल नंबर। यह मार्गदर्शक ऐसा व्यक्ति है जो उस मतदान दलों के समूह को अपने वाहन में पूरा रास्ता दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस व्यक्ति के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव निर्वाचन कर्मियों की सुविधा की दिशा में है मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण। जबलपुर ज़िले में हमारे अनुभव इस संबंध में इस प्रकार रहे, चूँकि बहुत बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों को हमें प्रशिक्षण देना होता है, इसलिए हमने 6 स्थानों पर विकेंद्रीकृत व्यवस्था की हुई थी और 6 स्थानों पर एक साथ प्रशिक्षण हमने जारी रखा। प्रशिक्षण के दौरान लैपटॉप, LCD प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और वीडियो आदि की मदद से प्रशिक्षण दिया गया। एक महत्वपूर्ण सुविधा हमने ये भी दी कि चूँकि प्रशिक्षण 6 अलग अलग स्थानों पर चल रहा था, तो प्रत्येक मतदान कर्मी को हमने प्रशिक्षण स्थल की जानकारी भी SMS के माध्यम से भी दी। मतदान में जुड़े हुए कर्मियों के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण था कि जिला निर्वाचन अधिकारी उन्हें स्वयं संबोधित करे। चूँकि एक साथ कई जगहों पर जिला निर्वाचन अधिकारी को जाकर के संबोधित करना संभव नहीं है, इसलिए हमने जिला निर्वाचन अधिकारी का वीडियो रिकॉर्डिंग करके प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर उसको चलाया और इससे लोगों को संबल मिला और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अभी हम उस वीडियो की एक क्लिपिंग भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थलों पर पेयजल, शौचालय, स्वल्पाहार की व्यवस्थाएँ भी की गई। EVM का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल पर दिलाया गया और प्रशिक्षण स्थल पर डाक मतपत्र सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए। ये कुछ प्रशिक्षण के चित्र हैं जिसमें सभी तरह के सुविधाओं का उपयोग किया गया। देखिए, होता यह है कि मतदान के दिन में पोलिंग पार्टीज के लोग कई बार बहुत टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। त्रुटियां होना बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी ओर से कोई जानबूझ के गलती नहीं की है और कोई ऐसी त्रुटि आपसे हो जाती है कि सहृदयता पूर्वक आप अपने ड्यूटी का पालन कर रहे थे लेकिन फिर भी भूल से त्रुटि हो गई, तो मैं ऐसी त्रुटि के समय आपका साथ दूंगा। मैं आपकी टीम का हिस्सा हूं, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। कलेक्टर की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी को पूरा प्रोटेक्शन दे और सबके साथ मिलकर के काम करे, तो आप निश्चिंत रहें। अगर आपसे कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है तो आप अपनी गलती स्वीकार करें, अपने अधिकारियों को बताएं, उस गलती को हम लोग मिल करके दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अगर चुनाव के दिन कोई आपसे त्रुटि हो गई तो अधिक से अधिक क्या होगा, उस मतदान केंद्र पर रिपोल की स्थिति ना बनेगी। रिपोल होना कोई पाप नहीं है, पर आप ये ना समझें कि अब आपसे गलती हो गई है तो अब पूरा जीवन आपका खत्म हो गया है, आसमान टूट के नीचे गिर गया है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। तो ठंडे दिमाग से, स्वस्थ मन से, हृष्ट पुष्ट होकर, प्रसन्नचित होकर के मतदान की प्रक्रिया में आप पूरी प्लानिंग करें। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके द्वारा की गई सहृदय त्रुटियों में मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी मदद करूंगा। अनावश्यक किसी को परेशान करने का किसी का उद्देश्य नहीं होता है। हालांकि इसका यह मतलब भी ना लगाएं कि कलेक्टर साहब ने अब ब्लैंक चिट दे दिया है तो अपन जम के गलतियां कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप जिम्मेदारियों को पूरी मुस्तैदी से और मेहनत से निभाएंगे और इस बार की निर्वाचन में आप सबका सहयोग हमें अपेक्षित है। जो भी हमसे भी त्रुटियां अगर होती हैं व्यवस्थाओं में,
तो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में भी हम अपनी गलतियों को सुधारें यथासंभव। हम इस बार जबलपुर में एक बेहतरीन, निष्पक्ष और अभूतपूर्व चुनाव की तैयारियां करेंगे। आप सबका सहयोग इसमें मुझे चाहिए। पुनः एक बार आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस विधानसभा चुनाव के निष्पक्ष संपादन के लिए जिन मतदान कर्मियों को लगाया गया है उनके प्रशिक्षण के लिए हमारे द्वारा उन्हें LCD के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओरल प्रेजेंटेशंस के बाद हमारे द्वारा 1.5 घंटे का इनको प्रैक्टिकल सेशन भी रखा गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कंट्रोल एवं बैलेट यूनिट के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियों से उन्हें अवगत कराया जा रहा है, ताकि मतदान दिवस पर मॉक पोल के समय और बाकी की गतिविधियों के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। ग्रीन पेपर सील्स, आउटर स्ट्रिप सील्स और हमारे द्वारा EVMs की जो सेटिंग की जानी है और उनकी पैकिंग की जानी है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज हम इनको दे रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण चरण होता है डाक मतपत्र सुविधा केंद्र की स्थापना का। प्रशिक्षण सत्र के दौरान फॉर्म 12 सभी मतदान कर्मियों को उपलब्ध करा दिए गए थे। इसका लाभ ये है कि द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान लोग अपने फॉर्म 12 भर करके इसका लाभ यह है कि द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान ऐसे मतदान कर्मियों को जिन्होंने फॉर्म 12 भरे हैं उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। जबलपुर ज़िले से बहुत बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों को दूसरे ज़िले भी भेजा गया था। ऐसे कर्मियों के लिए हमने रेलवे स्टेशन पर भी डाक मतपत्र की सुविधा केंद्र की स्थापना की थी, जहां लोगों को बड़ी संख्या में फॉर्म 12 आदि उपलब्ध करा दिए गए थे, ताकि उनके द्वारा रुचि ले जाने पर हम उन्हें इस सुविधा का लाभ उपलब्ध करा सकें। आज जबलपुर जिले से रीवा के लिए लगभग 1200 कर्मचारी रवाना हो रहे हैं चुनाव कराने के लिए। यहाँ पे ये व्यवस्था रखी गई है कि जो कर्मचारी रीवा जा रहे हैं वो अपना पोस्टल बैलेट पेपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनको अपना नाम, पता और उनका मतदाता सूची में जो क्रमांक है वो लिखना पड़ेगा। ये आवेदन पत्र जो आज प्राप्त हो जाएंगे, इनके पोस्टल बैलेट जारी कर दिए जाएंगे आज ही शाम तक, और ये कर्मचारी मतगणना के पहले तक ये मतपत्र या तो डाक से भेज सकते हैं, या ये लोग कलेक्टर कार्यालय में जो मार्गदर्शन कक्ष वहां पे अपने मतपत्र डाल सकते हैं, इनकी गिनती हो जाएगी। मतदान कर्मियों को, निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण चरण है सामग्री के वितरण एवं वापसी केंद्र के बारे में। हम जानते हैं कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी सामग्री वितरण केंद्र में उपस्थित होते हैं, इसलिए सामग्री वितरण केंद्र का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ पर्याप्त स्थान हो, पार्किंग की पर्याप्त सुविधा हो, काउंटर की व्यवस्थित योजना बनाई जाए, उद्घोषणा एवं सहायता केंद्र की स्थापना हो, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो, लोगों के स्वल्प आहार की, शौचालय आदि की अच्छी व्यवस्थाएँ हों, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विशेष प्रशिक्षण की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध हो। मैं आपको काउंटर व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। सामान्यतया काउंटर के संबंध में व्यवस्था जो की जाती है, यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए लगभग 200 मतदान केंद्र हैं और उस विधानसभा क्षेत्र के लिए यदि 10 काउंटर लगाए गए हैं, तो सामान्य रूप से यही होता है कि मतदान केंद्र क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के व्यक्ति काउंटर क्रमांक 1 पर आएंगे, 21 से लेकर के 40 तक के व्यक्ति काउंटर क्रमांक 2 पर आएंगे, और इस तरह से प्रक्रिया बनेगी। लेकिन हमने इस बार इस प्रक्रिया को परिवर्तित किया और इसमें एक नया प्रयोग किया है। हमारी सोच ये थी कि किसी भी क्षण किसी भी काउंटर पर अनावश्यक भीड़ नहीं होने चाहिए और सभी काउंटर पर बराबर संख्या में मतदान कर्मी आकर के अपनी सामग्री जमा करते रहें, तो इससे अनावश्यक भीड़ नहीं होगी। हम इस चित्र के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे कि मान लीजिए इस प्रकार यहाँ पर कुल 7 काउंटर हैं और एक बस आती है। इस बस में कुल 4 मतदान दल हैं। वैसे तो
संभवतः ये चारों मतदान दल उस बस से उतरकर हो सकता है किसी एक ही काउंटर में जाकर के कतार में खड़े होते, लेकिन हमारी व्यवस्था में प्रयास ये किया गया कि प्रत्येक मतदान दल आकर के पृथक पृथक काउंटर में खड़े हों, जिसके फलस्वरूप भीड़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी। इसे हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए ये काउंटर्स बने हुए हैं और इस प्रत्येक काउंटर में हम देखेंगे कि जो उस विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग रूट हैं, हर रूट में आने वाले मतदान दल हमेशा सभी मतदान दल अलग अलग काउंटर्स पे ही खड़े होंगे। तो किसी भी रूट का कोई भी दो दल एक साथ किसी भी काउंटर में खड़े होकर के भीड़ नहीं लगाएगा। और थोड़ा अगर इसमें व्यवस्था अच्छे से की जाए और इसकी पहले से कार्य योजना बनाई जाए तो यह भी देखेंगे कि प्रत्येक काउंटर पे आने वाले कुल मतदान दलों की संख्या भी लगभग बराबर रहती है। इस प्रकार पूरे मतदान के सामग्री वितरण और सामग्री वापसी के दौरान लोड सभी काउंटरों पे बराबर होता है। ये कुछ चित्र हैं जो ये दर्शाते हैं कि काउंटर्स पर किसी भी क्षण बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से ही इसकी प्लानिंग हो चुकी होती है। और ये देखेंगे कि पर्याप्त जगह होने के कारण लोग आराम से बैठ सकते हैं और उन्हें वहाँ पर स्थान की समस्या नहीं रहती है। पहले कंसीडरेशन के लिए हम लोगों ने यह किया कि पर्याप्त संख्या में काउंटर्स डिजाइन किए थे, 40 काउंटर्स रखे गए थे ताकि कभी भी भीड़ की स्थिति निर्मित ना हो। इसके अलावा शहरी विधानसभाओं और ग्रामीण विधानसभाओं के चार-चार विधानसभाओं के ग्रुप बनाकर के दो पारियों में सामग्री देने की व्यवस्था की थी, इसकी वजह से भी भीड़ की नौबत कभी नहीं आई। और SMS से उनको जब जानकारी मिली उनकी ड्यूटीज की तो उनको बहुत सहूलियत हुई है जानने में कि उनकी ड्यूटी कहाँ लगी है। और जैसे ही उनकी एंट्री हुई हमारे स्थल पे तो बहुत सारे जगहों पे हम लोगों ने ये चिपका करके रखा था कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी। तो SMS के अलावा हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की थी कि उनको चार्ट देखने का अवसर मिले, वो चार्ट से भी उनको बहुत सहूलियत हुई थी। इसके अलावा काउंटर्स को हम लोगों ने टैग कर दिया था रूट चार्ट से। मसलन एक बस में अगर 7 पार्टी आती है तो एक ही काउंटर पे चली जाएगी तो बहुत भीड़ की स्थिति निर्मित हो सकती है। हम लोगों ने यह व्यवस्था किया था कि एक रूट में अगर 7 पार्टी जाती है तो 7 एक काउंटर पे लगा करके 7 काउंटर पे जाएं, जिसका परिणाम यह हुआ कि कभी भी भीड़ की स्थिति निर्मित नहीं हुई। एक बार मतदान दल हमारे सामग्री वितरण केंद्र पे पहुंच गया तो उन्हें बहुत सारी जानकारियां हमें देनी पड़ती हैं, लेकिन मतदान केंद्र में पहुंचने के पहले भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार रैंडमाइजेशन होता है और 3 चरणों के इस रैंडमाइजेशन में तृतीय चरण में जाकर के ये तय हो पाता है कि कौन से मतदान दल के कर्मचारी किस मतदान केंद्र में जाएंगे। चूँकि हमने काउंटर का निर्धारण रूट के हिसाब से किया था, अर्थात यह तय था कि मतदान केंद्र क्रमांक 74 का जो दल है वो काउंटर नंबर 17 पर आएगा। तो यह महत्वपूर्ण था कि प्रत्येक मतदान कर्मी को अब ये बताया जाता कि जिन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 74 अलॉट हुआ है उन्हें यह पहले से सूचना हो कि उन्हें काउंटर नंबर 17 से जाकर के सामग्री प्राप्त करनी है। इसके लिए चूंकि हमारे पास पहले से ही डेटाबेस में ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध थी और अंतिम रैंडमाइजेशन के बाद दोनों डेटाबेसेस को मिलान किया गया और बहुत बड़ी संख्या में हर कर्मचारी को मास स्केल में SMS भेजे गए। ये SMS सामग्री वितरण के दिन प्रातः 5:30 से 6 बजे के बीच भेजे गए ताकि मतदान कर्मी अपने घर से निकलने के पूर्व ही यह जान सके कि उसे किस काउंटर में कहां आकर के सामग्री लेना है। जो मतदान दलों को SMS भेजे गए थे उसका मजमू कुछ इस प्रकार था कि आपका बूथ क्रमांक 17 है, क्षमा करें, इसमें लिखा हुआ था कि आपका मतदान केंद्र क्रमांक 17 है जिसमें आपका रूट नंबर 2A है और आपको काउंटर नंबर 32 से प्रातः 12 बजे आपकी सामग्री आपको प्राप्त करनी होगी। इसका लाभ यह हुआ कि अधिकांश मतदान कर्मियों को सामग्री वितरण केंद्र में आकर किसी से पूछना नहीं पड़ा और वे सीधे अपने काउंटर में जाकर के सामग्री प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त मतदान कर्मियों को डिकोडेड ऑर्डर प्रदान कराए गए और उन्हें विशेष EVM के प्रशिक्षण की सुविधा भी दिलाई गई।
ये विशेष ईवीएम की प्रशिक्षण का लाभ ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे मतदान कर्मी जो अंतिम क्षणों में घबरा रहे थे, उन्हें इस प्रशिक्षण के कारण मतदान केंद्र में रवाना होने के पहले ईवीएम के प्रशिक्षण से आत्मविश्वास बढ़ा और इससे बहुत सारे मतदान केंद्रों में जो पुनर्मतदान की स्थिति हो सकती थी वह बच सकी। अगला महत्वपूर्ण व्यवस्था परिवहन व्यवस्था की होती है। इसमें हम लोगों ने प्रयोग के तौर पर विशिष्ट रूट चार्ट का उपयोग किया था। प्रत्येक रूट चार्ट के लिए उसमें सेक्टर क्रमांक, रूट क्रमांक के अलावा उस सेक्टर और रूट में आने वाले मतदान केंद्रों की संख्या, वाहनों का प्रकार, प्रस्थान केंद्र से मतदान केंद्र की दूरी, मतदान दल के मुख्य वाहन से उतरने का स्थान और मुख्य वाहन से उतरने के स्थान से मतदान केंद्र की दूरी व परिवहन का साधन भी इसमें हमने रूट चार्ट के उसमें उपलब्ध कराया था और मार्गदर्शक व सेक्टर ऑफिसर्स का विवरण भी इस विशेष रूट चार्ट में उपलब्ध था। आइए देखें, ये एक रूट के लिए रूट चार्ट है जिसमें विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा, मतदान दल के वाहन से छोड़ने का स्थान कौन कौन से हैं ये दिया गया था और इस प्रश्नाधीन रूट में मतदान केंद्रों की संख्या, कौन कौन से मतदान केंद्र हैं ये जानकारी भी दी गई थी और मुख्य वाहन से उतरने के स्थान से मतदान केंद्र की दूरी कितनी है और अंतिम बिंदु से जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए गए वाहन का विवरण भी इस रूट चार्ट में उपलब्ध था। मेरी ड्यूटी चुनाव में वाहन प्रभारी की लगाई गई थी, उसमें वाहन में एक जो ने आदेश की कॉपी चिपकी हुई थी, एक आदेश मेरे पास था और एक हमारी जो टीम थी उनके पास आदेश था। उसी के मुताबिक जो है हमने मोबाइल के द्वारा अपनी टीमों को जानकारी दिया और देने के बाद मैं अपनी टीमों को पूरे लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाला और बैठाने के बाद जो है मतदान केंद्र जो सही रास्ते से था कम समय वाला उस रास्ते पर ले जाकर मतदान पहुंचाया। पहुंचाने के बाद तमाम रात भर हमारा वाहन वहां खड़ा था, रात भर हम थे वहां और दूसरे दिन जो है चुनाव शाम को 5:30 बजे ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद तमाम टीमों को 6-7 बजे मैंने उस पर बैठाला और बैठालने के बाद जो है वापसी MLB स्कूल को ले। ये कुछ चित्र हैं जिसमें परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहनों को एक स्थान से व्यवस्थित जमा कर उनके गंतव्य के स्थान रवाना करने की व्यवस्था की गई थी और आप देखेंगे कि मतदान कर्मियों को चूंकि पहले से ही वाहन की जानकारी थी इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा समय अपने वाहनों को ढूंढने में नहीं लगाना पड़ रहा था। हमने विधानसभा चुनाव 2008 के लिए अच्छे बस अधिग्रहण किए थे। हमने कुल 350 बस अच्छी वैरायटी के अधिग्रहण किया था 8 विधानसभा के लिए और यह जो है विधानसभा वार हमने बस जो है स्टेडियम में अलग अलग स्थल पर खड़ा किए थे और मतदान दलों को SMS के माध्यम से हमने बता दिया था कि आपकी बस कहां पर खड़ी हुई है। उसके माध्यम से मतदान दल जो है उक्त बस के पास पहुंच गए और बस में पहुंचने के बाद में अपने उसमें चूंकि बस में रूट चार्ट भी लगी हुई थी उसमें मतदान दलों को पता भी था कि कहां पे कौन सी बस खड़ी है और कहां जाना है तो मतदान दल जो उस बस में आसानी से बैठकर वहां पे अपने मतदान केंद्र तक चले गए और से बड़ा मैनेजमेंट के माध्यम से जो है हमारा परिवहन व्यवस्था जो है सफल रहा और समय अवधि में जो है मतदान दल जो है वहाँ पर पहुँच गए और कोई भी बस उक्त पहुँचने तक कोई बस खराबी नहीं हुई, ना हमको कोई अलग से बस और भेजनी पड़ी। इस प्रकार परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी। इसके पश्चात हमने मतदान से जुड़े कर्मियों को डिकोडेड ऑर्डर्स उपलब्ध कराए। यह डिकोडेड ऑर्डर एक A4 शीट पर एक ही पेज में बहुत सारी जानकारियों से भरा हुआ था। हम देखें इस चित्र में कि इसमें अलग अलग भाग हैं। हमने इस डिकोडेड ऑर्डर को 5 भागों में समझाने का प्रयास किया है। भाग एक जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें विधानसभा क्रमांक और उसका नाम तथा मतदान दल का और मतदान केंद्र का क्रमांक इसमें अंकित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मतदान दल क्रमांक और मतदान केंद्र क्रमांक यह दोनों चीज़ें अंतिम रैंडमाइजेशन के बाद ही तय हो पाती हैं और इसलिए यह इन्फॉर्मेशन दोनों डेटाबेस को मर्ज करने के बाद ही इस डिकोडेड ऑर्डर में
मुद्रित की जा सकती हैं। डिकोडेड ऑर्डर का द्वितीय भाग जो है वो मतदान दल के सदस्यों के बारे में होता है और इसमें न सिर्फ मतदान दल के प्रत्येक कर्मचारी का नाम होता है बल्कि उनके कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर्स भी इसमें उपलब्ध होते हैं। इसका लाभ ये है कि दल का प्रत्येक व्यक्ति काउंटर से अपना आदेश प्राप्त करने के बाद अपने बाकी सहपाठियों को मोबाइल करके ढूंढ सकता है। डिकोडेड ऑर्डर का तीसरा भाग मतदान केंद्र और ईवीएम की विस्तृत जानकारी देता है। इसमें मतदान केंद्र के भवन के नाम के अलावा उस मतदान केंद्र का जो समीपस्थ प्रभारी है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर रहता है। उस मतदान केंद्र में कुल कितने महिला पुरुष मतदाता हैं इसका विवरण रहता है। वह मतदान केंद्र क्रिटिकल है कि नहीं, वल्नरेबल तो नहीं है, इसकी जानकारी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का भी क्रमांक उसमें रहता है। ध्यान दें कि यह कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट यह भी ईवीएम के रैंडमाइजेशन से प्राप्त होती है और कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट के रैंडमाइजेशन का डेटाबेस वर्तमान डेटाबेस के साथ मर्ज करने पर हम डिकोडेड ऑर्डर में यह जानकारी भी मुद्रित कर सकते हैं। डिकोडेड ऑर्डर का जो चौथा भाग है वह संपर्क के विवरण के बारे में होता है। इसमें इस मतदान दल के लिए जो रूट क्रमांक होगा उसका जो मार्गदर्शक होगा अर्थात रूट गाइड, उसकी जानकारी होती है। इसके अलावा जो सेक्टर ऑफिसर है, मध्य प्रदेश में हम उन्हें जोनल अधिकारी कहते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, थाना, थाने का दूरभाष क्रमांक, थाना प्रभारी का नाम, उनका दूरभाष क्रमांक और सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम और दूरभाष क्रमांक भी इसमें उपलब्ध रहता है, जो इसके भाग चार में होता है। और डिकोडेड ऑर्डर के अंतिम भाग पाँच में मतदान दलों के प्रस्थान करने की जानकारी, कौन से स्थल से, किस काउंटर से और किस दिनांक को उन्हें रवाना होना होगा और कब उन्हें वापसी करनी होगी, इसकी जानकारी इस ऑर्डर में रहती है। नहीं हुआ, जब हम सामग्री लेने आए उसकी व्यवस्था देखकर तो बहुत ही ताजुब हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था हमने कहीं भी नहीं देखी थी इतने चुनाव में। साथ ही साथ जो काउंटर्स बने हुए थे वह एक काउंटर में बहुत कम लोगों की भीड़ रहती थी और 10 मिनट में हम सब सामान प्राप्त कर लेते थे। जो हमें जहाँ पे चुनाव कराना था वहाँ का वाहन भी बहुत ही अच्छा था, कोई भी परेशानी नहीं, वहाँ पे भी पुलिस। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है माइक्रो ऑब्जर्वर्स का, जिन्हें हम हिंदी में सूक्ष्म पर्यवेक्षक कह सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले कुछ निर्वाचनों से माइक्रो ऑब्जर्वर का की अवधारणा को प्रारंभ किया है। ये माइक्रो ऑब्जर्वर केंद्रीय शासन के कर्मचारी होते हैं और ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स को ही रिपोर्ट करते हैं, किंतु इनके प्रशिक्षण की और इनकी सुविधाओं की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होती है। जबलपुर ज़िले में हमने पिछले निर्वाचनों के दौरान न सिर्फ इनके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, इनके लिए विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया, बल्कि मतदान केंद्रों के लिए इनके परिवहन की व्यवस्था और उनके काउंटर तथा मानदेय वितरण की व्यवस्था भी पहले से की गई। आई एम केवी दिवाकर, नोडल ऑफिसर फॉर माइक्रो ऑब्जर्वर स्पीकिंग, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा इलेक्शंस ऑफ मध्य प्रदेश 2008, एंड द कॉन्सेप्ट सिंस इट इज न्यू, the micro observers have been selected randomly from the central government undertakings. They have been thoroughly trained prior to the process of election, and they have also been given proper training to fill the forms in which they have to submit the information to the central observers for their perusal. And even during the counting, before the process starts, they have been informed through SMS that where they have to sit and do their job and what all the forms they have to fill. And this training and their we have facilitated for their movement also, and this training and their movement has caused great help in the entire process, and they have given the information timely, and this has been a good help for the central observers for declaration of early declaration of the result. इसके पश्चात सामग्री वितरण केंद्र से यातायात के माध्यम से मतदान दलों को रवाना करने के बाद अब महत्वपूर्ण चरण आता है मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को देखने का। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक प्रभारी नियुक्त किया गया था।
दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि मतदान केंद्रों पर ही मतदान कर्मियों को मानदेय के वितरण की व्यवस्था की गई थी। जो सेक्टर अधिकारी थे उन्हें पहले से ही मानदेय अग्रिम के रूप में दे दिया गया था। कई निर्वाचनों में ये दिक्कतें आती हैं कि अगर मानदेय का वितरण मतदान केंद्र पर न हो तो लौटने के पश्चात भारी भीड़ होती है और लोगों में असंतोष रहता है, क्योंकि लोग दो दिन के चुनाव प्रक्रिया के कारण वैसे भी बहुत थके होते हैं और उन्हें मानदेय प्राप्ति में विलंब होने पर बेहद नाराज़गी हो सकती है। तो बेहतर तरीका यह हो सकता है कि उनका मानदेय का वितरण मतदान केंद्र पर ही कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त मतदान दलों से मतदान केंद्र पर नियमित संपर्क की व्यवस्था भी थी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने अब पीठासीन अधिकारियों को मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति दे दी है और इसलिए यह संभव है कि मतदान के दिन भी आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल फ़ोन से संपर्क कर उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रातः मॉक पोल के दौरान यदि पीठासीन अधिकारी को कोई दिक्कत आती है तो वह सीधे कंट्रोल रूम पर अपने मोबाइल से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है कि कौन सा बटन दबाएं, कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही है, और इस प्रकार हम ऑनलाइन पूरी व्यवस्थाएं सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अनावश्यक पुनर्मतदान की स्थितियां निर्मित न हों। सर, मैं प्रेम नारायण यादव नगर निगम से निकल सर चुनाव कार्य के लिए। अच्छा। और यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है पोलिंग बूथ की। 155 नंबर का बूथ जी सर। पूरी तैयारियां कर ली आपने? तैयारी सर, लाइट वाइट पानी सब चेक किए? सब चेक है सर। शुद्ध पानी सर, शौचालय की पूर्ण व्यवस्था है सब जी सर। निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है मतगणना। मतगणना में भी हम मतदान से जुड़े हुए, निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं कर सकते हैं। एक ज़िले में चूंकि कई विधानसभा क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक विधानसभा के मतगणना के लिए अलग अलग कमरे निर्धारित होते हैं, तो यह संभव है कि पूर्व नियोजन के अभाव में एक विधानसभा हेतु नियत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन त्रुटिवश किसी और विधानसभा में चली जाए, और यदि ऐसा होगा तो इससे व्यापक वहाँ पर भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि प्रत्येक विधानसभा से जुड़े हुए कर्मचारियों को पृथक पृथक रंगों के पट्टियां उपलब्ध करा दी गई थी, ताकि उसमें कहीं कोई संशय की स्थिति ना रहे। इसी प्रकार जबलपुर ज़िले में मतगणना के लिए हम लोगों ने मतगणना से दो दिन पूर्व पूर्वाभास की व्यवस्था की थी। मॉक ड्रिल के अंतर्गत वह सारी गतिविधियाँ संपन्न की गई जो कि हमें मतगणना के दिन करनी होती। इससे आने वाले मतगणना के दिन जो संभावित त्रुटियां हो सकती थी और दिक्कतें हो सकती थी उन्हें पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया गया, और इस वजह से जबलपुर ज़िले में हम मतगणना संभवतः प्रदेश में सर्वप्रथम संपन्न कर सके और सबसे पहले परिणामों को घोषित कर सके। एक महत्वपूर्ण कदम यह भी उठाया गया कि सारणीकरण टेबुलेशन जो है वह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल्स बना करके किया गया। यह बहुत कठिन काम नहीं था, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय था कि प्रत्येक टेबल को लिंक कर दिया गया था, अर्थात किसी भी एक मतदान केंद्र के ईवीएम के परिणाम को एक बार कंप्यूटर में फीड करने के बाद सीधे अंतिम परिणाम सूची तक भी ऑटोमेटिकली वह अपडेट हो जाता था। फलस्वरूप जब अंतिम मतदान केंद्र के परिणामों को हमने कंप्यूटर में फीड किया तो उसके अगले 5 मिनट के अंदर अंतिम परिणाम घोषणा पत्र तैयार था, और इससे काफ़ी समय की बचत हुई। इसके अतिरिक्त मतगणना केंद्र पर भी चिकित्सा की सुविधाएँ, स्वल्पाहार की सुविधाएं, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा कर्मियों को उपलब्ध कराई गई। चुनाव खत्म हो गया, मैं मशीन जमा करने जा रहा हूँ। ये उत्तर की जाना है, मैं ड्यूटी लगी थी मेरी, तो मेरी पट्टी हरी है, मैं लेकर जमा करने जा रहा हूँ। ये मतगणना के पूर्वाभ्यास के कुछ वास्तविक चित्र हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मतगणना के लिए पहले रिहर्सल कराई गई थी, जो एक विशिष्ट बात है, और मतगणना के दिन मुझे 5:30 बजे सुबह SMS प्राप्त हुआ जिसमें ये स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि मुझे किस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में शामिल होना है
किस टेबल क्रमांक पर मुझको बैठना है ये मुझे पहले ही पता चल गया था। ये भी पूर्वाभ्यास जो कराया गया था उसमें ये भी स्पष्ट था कि किस टेबल पर बैठना है। टेबल पर गणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और गणना सहायक किस स्थान पर बैठेंगे, मतगणना की पेटियां किस प्रकार से, मतलब ईवीएम मशीन और बैलेट यूनिट किस प्रकार से आएंगी, काउंटिंग करने के बाद काउंटिंग के समय किस प्रकार से प्रपत्र भरे जाएंगे और उसके पश्चात काउंटिंग के स्टिकर्स किस प्रकार से लगाए जाएंगे। हम लोगों को ये भी सुविधा मिली थी कि समय पर नाश्ता, चाय और वर्किंग लंच भी वहीं टेबल पर ही प्रोवाइड किया गया था और मतगणना का पूरा अभ्यास होने के कारण हम लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार थे मतगणना के लिए और हम लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं था। तो अंत में हम एक बार फिर ये समझें कि हमने आज मतदान कर्मियों की सुविधाओं के लिए किन किन बातों पर गौर किया। सर्वप्रथम तो मतदान दलों के चयन में हमें सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा, मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, सामग्री वितरण एवं वापसी केंद्र का नियोजन बेहतरीन ढंग से किया जा सकता है। चौथा, परिवहन व्यवस्था में भी काफ़ी प्लानिंग की जा सकती है। पाँचवा, SMS के माध्यम से मतदान से जुड़े हुए कर्मचारियों को हम पूर्व में ही सूचनाएँ दे सकते हैं और डिकोडेड ऑर्डर दे करके उन्हें बहुत सारी जानकारियां एक साथ एक ही कागज़ में उपलब्ध करा सकते हैं। मतदान केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं करने के लिए हम प्रभारी नियुक्त कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम मतदान केंद्रों पर भी सुविधाएं दे सकते हैं। और अंत में मतगणना की योजना भी अच्छे से बनाकर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि पूरे के पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया में लोगों का अनुभव अच्छा रहे और लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध हों। धन्यवाद।